के प्रेमी हमने। अब तो कुछ सोच ले प्राणी, बीती जाए जिंदगानी। अब तो कुछ सोच ले प्राणी, बीती जाए जिंदगानी। यौवन आने से पहले अर्थी पर चढ़ते देखे, यौवन आने से पहले अर्थी पर चढ़ते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने। कर्मों से लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले, कांटों पर चलते देखे मुक्ति के प्रेमी हमने। मुक्ति के प्रेमी हमने, मुक्ति के प्रेमी हमने। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले, कांटों पर चलते देखे। इस समय जो लोग भी तपस्याएं कर रहे हैं, ये सब क्या है? कांटों पर चलने का रास्ता है, ये फूलों पर चलने का रास्ता नहीं है, ये कांटों पर चलने का रास्ता है। और ये रास्ता बताता है कि कोयले को अगर धोना है तो साबुन से नहीं धोया जा सकता, कोयले को अगर गोरा करना है तो उसे जलना पड़ेगा, तपस्या से जलना पड़ेगा। अपने तन को निर्मल करना है, मन के विकारों को निर्मल करना है, तन के विकारों को अगर काटना है तो अपन लोगों को तपस्या का, त्याग का संस्कार अपने जीवन से जोड़ना होगा। संवत्सरी पर्व पर जो हम आलोयना कर रहे हैं अब, वो आलोयना हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को साल भर में किए कराए गए अनुमोदन किए गए समस्त दुष्कर्मों, समस्त पाप कर्मों, अपराध कर्मों के लिए सरल हृदय के साथ अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना संपन्न कर लेनी चाहिए। याद रखो भाई, जो काम दान से नहीं निपटता, जो काम दया से भी पूरा नहीं होता, वो हर काम इंसान के दिल की आंखों से बहने वाले आंसुओं से अवश्य पूरा हो जाया करता है। कोई भी आदमी अगर लगता है कि उसने साल भर में कोई भी बड़ा पाप किया है, उसके हाथों से कोई छिपकली मर गई, उसके हाथों से किसी गाय को क्षति पहुंच गई, उसके पांवों से किसी को ठोकर लग गई, किसी की जान चली गई, तो भाई लोग तो कहने में कह देंगे, अगर तुम्हारे पांव से एक चूहा मर गया तो तुम चांदी का चूहा बनाकर कहीं दान कर दो तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। अथवा लोग कह देंगे, अमुक पाप हो गया, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा आओ, तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। मैंने तो जो सीखा है वो यही धर्म से सीखा है कि सच्ची गंगा तो यही है, सच्चा दान और सच्चा समर्पण तो यही है कि जब हकीकत में दिल में, आत्मा में, हृदय में, मन में उसका प्रायश्चित करते हुए हम अगर अपने हृदय से उसका प्रायश्चित भाव लाते हुए अपने आंखों से चार आंसू ढुलका देते हैं तो उन आंसुओं के साथ ही हमारे द्वारा अज्ञान अवस्था में किए गए पाप, दुष्कर्म और अपराध निश्चित तौर पर धुल जाया करते हैं। अगर लगता है प्रार्थना में, पूजा में मन नहीं लगता, मैं कहूंगा प्रभु जी को याद करो, दो आंसू उनके सामने ढुलकाओ, क्योंकि आंसू ढुलकाने से जन्म जन्मांतर के अंतराय कर्म अपने आप कट जाया करते हैं, धुल जाया करते हैं। आत्मा को निर्मल करने का एक अकेला पगथिया है, एक अकेला सोपान है, और वो है अपने पापों को याद करके उनके लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगो, अपनी आत्मा से क्षमा मांगो, अपने प्रिय प्रभु, इष्ट प्रभु से क्षमा मांगो और अपनी आत्मा को उस पाप के कलमस से दूर करो। कहते हैं कि जब मरुदेवी भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने के लिए जा रही थी तो भले ही ऋषभ देव उनके पुत्र थे,
पर मां मरुदेवी सोचने लगी कि मैं सदा भरत को उलाहने दिया करती थी, अपने पोते को उलाहना दिया करती थी कि तू मेरे बेटे ऋषभ देव का ख्याल नहीं करता, पर हकीकत में ये है कि मैंने ऐसा कह कह करके एक केवल ज्ञानी की, एक तीर्थंकर की आशातना और अवहेलना की है। मेरे द्वारा पुत्र मोह के वश होकर एक तीर्थंकर एक केवली की आशातना हुई है। वो मन में प्रायश्चित करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू ढुलकने लगते हैं और कहते हैं कि ऋषभदेव भगवान बाद में मोक्ष जाते हैं, उससे पहले उनकी मां मरुदेवी मोक्ष को उपलब्ध हो जाती है अपने आंखों से बहने वाले इन्हीं आंसुओं की धारा के चलते। कहते हैं मृगावती भगवान महावीर के समावसन में बैठी होती है, सूर्य और चंद्र दोनों देवता भगवान की उपदेश भगवान की देशना सुनने के लिए आते हैं, दोनों साथ आते हैं इसलिए रात और दिन का पता नहीं चलता, भगवान से चर्चा में मशगूल रहते हैं और जब उनका समय हो जाता है तो सूर्य और चंद्र अचानक चले जाते हैं और उनके जाते ही चारों तरफ अंधकार छा जाता है। मृगावती को लगता है अरे इतना तो दिन था, अचानक ये रात कैसे हो गई। मृगावती रात के अंधेरे को चीरते हुए अपने धर्म स्थान पर पहुंचती है। साध्वी जीवन रात के अंधेरे में अपने उपाश्रय और स्थानक में पहुंचती है। जैसे ही उनकी गुरुणी चंदनबाला उन्हें देखती है, गुरुणी से निवेदन करती है कि गुरुणी जी आज सूर्य और चंद्र एक साथ भगवान का उपदेश सुनने के लिए आ गए थे, उजाले और अंधेरे का पता न चल पाया, फर्क न लगा पाई और अचानक जब वो चले गए तो यहां लौट करके आ गई। गुरुणी ने डांट लगाई, गुरुणी तो सो गई पर साध्वी मृगावती रात भर प्रायश्चित करती रही कि आज मेरी वजह से, मेरे अमर्यादित आचरण की वजह से, मेरे द्वारा ज्ञान और बोध न रखने की वजह से आज मेरी गुरुणी जी को गुस्सा करना पड़ा, मुझ पर डांट लगानी पड़ी, आज मैंने अपने राजकुल राजघराने साध्वी जीवन के खिलाफ आज मैंने आचरण किया। रात भर वो प्रायश्चित करती रही, रात भर वो रोती रही और उसी आंसुओं की धारा में ही उसको केवल ज्ञान और परम ज्ञान, परम आत्म ज्ञान उसे उपलब्ध हो गया। इन्हीं आंसुओं की धारा से केवल ज्ञान और परम ज्ञान हो गया। और कहते हैं कि तभी अचानक एक सांप आने लगा, गुरुणी के पास आया, उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि गुरुणी के पास एक सांप गुजर रहा है। वो झट से करीब आई, अंधेरे में करीब आई और उसने गुरुणी जी के हाथ को एक तरफ कर दिया ताकि सांप बगल से गुजर जाए। तो जैसे ही गुरुणी के हाथ को शिष्य टच करती है कि गुरुणी की आंख खुल जाती और खुलती वो पूछती है क्या बात है, मेरा हाथ कैसे पकड़ा। शिष्या ने कहा, मृगावती ने कहा, गुरुणी जी अभी अभी इधर से सांप गुजरा था तो मैंने आपके हाथ को बचाने के लिए कि सांप गुजरेगा और उसे कोई असुविधा ना हो, आपको भी नींद न टूट जाए, इसलिए मैंने हाथ आपका इधर कर दिया। बोले कि इधर कर दिया, इतने अंधेरे में तुम्हें कैसे पता चला, कैसे तो तुम्हें मेरा हाथ दिखाई दिया और कैसे तुम्हें सांप नजर आया। शिष्या ने कहा, मृगावती ने कहा, गुरुणी जी आपकी कृपा से मुझे सांप भी दिखाई देने लग गया है और अंधेरे में आपका हाथ भी नजर आने लग गया। गुरुणी ने पूछा, तो क्या तुम्हें कोई केवल ज्ञान मिल गया, परम ज्ञान मिल गया। मृगावती साध्वी ने कहा, गुरुणी जी ये भी आपकी कृपा है कि मुझे परम ज्ञान, केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरुणी को भी मन में ठेस लगी, उसे लगा कि अहो मैंने शिष्या मानते हुए आज एक केवली की आशातना कर डाली, एक केवल ज्ञानी परम आत्मज्ञ साध्वी की आज मैंने उपेक्षा कर डाली, उसे मैंने डांट लगाई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया और वो भी आंसू ढुलकाते हुए प्रायश्चित करने लगी, अपने द्वारा कहे जाने वाले शब्दों की आलोचना करने लगी, आलोचना करने लगी। और कहते हैं सुबह भोर होती है, उससे पहले गुरुणी चंदन बाला को भी केवल ज्ञान और परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रायश्चित के आंसुओं के जरिए व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल करता है, मांझता है, धुल जाया करती है। असली गंगा वो है जो कि हमारे नैनों से बहा करती है। एक भागीरथी वो है जो हरिद्वार से गुजरती है और एक भागीरथी वो है जो हमारे नैनों के प्यालों से उतरा करती है। कहते हैं कि शिष्य निकल पड़ा कि आज संवत्सरीय पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। गुरु ने
कहा भाई आज के दिन तो कम से कम उपवास कर। सभी मुनि जनों के आठ आठ उपवास, तीन तीन उपवास है, आज के दिन तो तू उपवास कर ले। शिष्य ने कहा गुरुजी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, 12 बज गए मुझे तो भूख पर भूख लगती चली जा रही है, मुझे खाना लेने की इजाजत दीजिए। गुरुजी को आया गुस्सा और कहा अच्छा बढ़ मर। और गुरुजी ने गुस्से में आकर शिष्य को रवाना कर दिया। शिष्य को आहार सही घर घरानों से तो मिल ना पाया, तो कोई छोटी मोटी जाति वालों के यहां जाकर के बाजरे की लुक्खी रोटी और सूखी रोटियां लेकर के आ गया। गुरुजी को ले जाकर आहार दिखाया, गुरुजी ये आहार लेकर आया हूं। गुरुजी को बुरा तो लगा हुआ ही था, गुरुजी ने उसमें थूक डाला। अरे भूख मर, तू भी कैसा जीव डाय रे, मैंने भी किसको दीक्षा दी जो आज संवत्सरी के दिन भोजन कर रहा है। थूक दिया, शिष्य ने बुरा ना माना, लेकर आया बाजरे की रोटी का टुकड़ा उठाया, मन में सोचने लगा अरे जीवड़ा तू कैसा जन्म जन्मांतर का पापी जीवड़ा है कि आज संवत्सरी के दिन भी तुझे रोटी खाना सूझता है, आज भी तू उपवास नहीं कर पा रहा है, तू ऐसा भुखड़ है रे, तू ऐसा भुखड़ है कि आज संवत्सरी के दिन भी तू खाना खा रहा है, रोटी हाथ में है, एक तरफ पानी है, मन में प्रायश्चित के भाव हैं। गुरुजी ने ठीक कहा था, आज के दिन तो तुझे उपवास करना चाहिए था, पर क्या करूं मेरी पेट की आंतें मानती नहीं, रोटी मांग रही है। और वो थूक से भरी हुई उस रोटी को अपने मुंह के करीब ले जाता है, मुंह में पूरा रख भी नहीं पाता, आंखों से जो आंसुओं की धार निकल रही होती है, प्रायश्चित की उसी धारा से ही उसको वहीं पर ही केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जिस कार्य के लिए उसने संन्यास लिया था वो कार्य उसका सिद्ध हो जाता है। आलोहिणा का पाठ, आलोहिणा तभी सार्थक होगी जब हम लोग अपने दिल में सबके प्रति मैत्री का भाव, क्षमा का भाव, दयादान का भाव, करुणा का भाव, आलोहिणा का भाव लेकर आएंगे, तो ही हमारी ये आलोहिणा धन्य होगी, सार्थक होगी। जिनके चश्मा पहना हुआ है वे लोग कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतार लें, अपनी जेब में रख लें, बहुत सहज भाव में आ जाएं, अपने दोनों हाथों को गोद में रख लें, आती जाती श्वास का अनुभव करने लगे, नासिका प्रदेश पर एकाग्र होकर आती जाती श्वास का अनुभव करने लगे, और श्वास का अनुभव करते हुए एक ही भाव लाएं, और वो है श्री प्रभु शरणम, 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 श्री प्रभु शरणम। हे श्री प्रभु मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं, हे श्री प्रभु मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं, हे श्री प्रभु मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। मैं अपने हृदय में आपके स्वरूप को स्थापित करता हूं, आपकी छवि